मॉर्निंग एवरीवन. बेटा लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन व्हिच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3. इन थर्ड क्वेश्चन देयर आर 5 पार्ट्स. अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. And the area of 4 parts we have found. Now we have to find the area of the 5th part. Look here. So, fifth part में बेटा आपके पास ऐसे trapezium है, ठीक है? तो आपने trapezium का area निकालना है. This is 1, 1, 1 and this full is We know the area of trapezium is half sum of parallel sides into height. So we want this height. A, B, C, D name we have given. कल दिया था name and BE is perpendicular. जो आपको इसको रब करवा के वो लिखवाया था ना, BE is parallel to AD वो लिखा था, वो नहीं करना. क्योंकि parallel बना के triangle बन जाएगा, triangle का area निकाल लेंगे, लेकिन parallelogram उसके साथ बनेगा तो उसका area नहीं निकाल पाएंगे. So what we will do, we will make a perpendicular like this and like this. Look here. If this is one AB, then this FB, FE, ये भी कितना होगा बेटे? One. And BF will be 1/2 and this also will be 1/2. ये पूरा 2 है ना? इतना portion 1 है, तो बच गया ये, देखो equal parts में है ना, equal जितना इधर उतना इधर. तो हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है? ये वन है, देखने में ऐसे थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने ट्रेपेजियम उस तरह से बनाया है. अदरवाइज जितना ऊपर वाला उतना उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है? द रिमेनिंग साइड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नाउ हाउ टू फाइंड दिस बी ई. इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी वांट, इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वी वांट दिस बी ई. अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड कैन वी फाइंड बी. यस लेट्स फाइंड आउट. इन राइट ट्रायंगल बीई सी, इन राइट ट्रायंगल बीई सी बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर by Pythagoras theorem. ठीक है बेटा, one square is equal to, इसको मान BE को चाहे BE रहने दो, चाहे उसको हम लिख लें H, ठीक है? height है तो H, H square plus 1/2 square, 1 is equal to H square plus 1/4, 1 minus 1/4 is H square, 3/4 is h square. This implies what is h? Root 3/2. H क्या है? Root 3. H square है, square हटाया इधर root जाएगा. Root 3 का root square root 3. 4 का square root will be 2. So this is our h. Therefore, area of figure 5 is area of trapezium, that is half sum of parallel sides into height. Half parallel sides कितनी है trapezium की, इस पूरे trapezium की? ये 1 और ये पूरा 2. 1/2 into height is root 3/2. यही कर देती हूँ. 1/2 into 3 कितना आ जाएगा? 3√3/4. 3√3/4. सेंटीमीटर स्क्वायर.
सेंटीमीटर स्क्वायर। अपरन कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो अपने। बोलो मैम, हमने बेस हाफ क्यों लिया? क्या क्या लिया मैम? हमने एसी स्क्वायर हाफ लिया ना। कहाँ मैम? ने जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो हमने एसी स्क्वायर हाफ लिया। हाफ कैसे आया मैम? हाफ कैसे आया बेटा, ये देखो ऐसे ट्रेपेज़ियम है, ये ट्रेपेज़ियम है, ये पूरी साइड कितनी है? टू। ये पूरी म्यूट करो, बहुत शोर है आपकी तरफ। ठीक है, ये कितना है? वन। जब हमने ऐसे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये क्या बना? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर डिपेंड की हमारी हाइट क्या आती है, रेक्टेंगल समझो। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना। देखो ये आमने सामने है ना बेटे, इसके ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट? तो हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना दिए तो ये पोर्शन कितना आ गया? वन। पूरे टू में से वन को माइनस करेंगे कितना बचा? वन। तो ये पूरा टू था, ये पोर्शन आ गया वन, जो बाकी का बचा वो कितना है? वन। उसमें से हम देख सकते हैं फिगर में, दिस इज इक्वल टू दिस, इट इज अकॉर्डिंग टू द फिगर, सो दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, तो हमारा ये आ गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल फिगर इज एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया, ट्राइंगल का एरिया कितना था अपरन बताओ आप? मैम 3√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस दोनों, एक ट्राइंगल का एरिया कितना था जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल था? 6.5। दूसरा भी 6.5। रेक्टेंगल का कितना था? और मैम रेक्टेंगल का था 6.5 बेटा। रेक्टेंगल का मैम ट्राइंगल का 4.5 था। ट्राइंगल का ना? यस मैम। हाँ तो 4.5 + 4.5 + 6.5 + 3/4√3। ठीक है, इसको आप ऐड कर दोगे, 6 + 4 10 + 4 12 12 13.5। इनको चाहे आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 13.5 + 3/4√11 + 3/4√3, या फिर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो आगे इसको कॉमन लेके, बट इतना लिख कर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे देन आल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, एज दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, सो व्हेन यू विल शो द एडिशन ऑफ ऑल द फाइव एरियाज इट मींस योर आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, क्विकली नोट डाउन देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एनीवन हू इज स्टिल नोटिंग इट डाउन? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। If the sides of the triangle are 26, 28, 30 and the parallelogram stands on the base 28,
देयर इज अ पैरेललोग्राम, लुक हियर ऑन द बोर्ड, एक पैरेललोग्राम है बेटा और एक ट्राइंगल है, इसको चाहे ऊपर बना दो चाहे नीचे बना दो, इट्स ओके, ठीक है. द ट्राइंगल पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, ये उसका बेस है, वो क्या है 28, और 28 ही एक ट्राइंगल की साइड भी है, तो हम 28 ये हो गया, इसलिए 26, ये 30, राइट. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या निकालनी है हमने, ऐसे हाइट. एंड व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव बीन गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ सी what we will do, first of all we will find the area of this triangle, ठीक है, area of triangle निकालेंगे. a कितना है 26 सेंटीमीटर, b है बेटे 30 सेंटीमीटर, c है 28 सेंटीमीटर. now see everyone, area of triangle you will find by Hillman's formula. निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सारे बच्चे. एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा कितना आएगा सारा सॉल्व करने के बाद, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू ऑल कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, ठीक है. अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है. ट्राइंगल का एरिया कितना है 336, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. तो 336 बेस है हमारा 28, हाइट की जगह पे हाइट, तो 336 डिवाइडेड बाय 28 इज अवर हाइट. 4 5 20, 4 8 30, 12 सेंटीमीटर. हाँ जी धीरेन. मैम प्लीज टेल दैट हाउ डिड यू इंक्लूड द हाइट एज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हाउ टू? हाउ डू यू गेट द हाइट? आई हैव फॉर्मड इट धीरेन. मैम हाउ? What is not clear to you? First ask me that. मैम हमने हाइट कैसे निकाली वो बता दो एक बार. वही बोल रही हूँ ना बेटा, अब कुछ तो बोलते हैं, बता देती हूँ दोबारा. मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग अगेन, बट आई वांट टू आस्क व्हाट इज नॉट क्लियर. ये देखो इधर बोर्ड पे देखो, जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, ये चीज हमें गिवन है. This is given in the question. Area of triangle we have found by Hiron's formula. And area of parallelogram का formula होता है, if you remember, base multiplied by height. ठीक है? And in the question it is given that the parallelogram stands on base 28. So 28 क्या है बेटा? Base, height हमने क्या find करनी है? Height की जगह पे height ही रहने दिया. 28 से multiply हो रहा है. तो डिवाइड हो गया, तो वी गॉट आवर हाइट 12 सेंटीमीटर. ओके धीरेन, ठीक है बेटा. ये आपने निकालना है, ये देखो मैंने ऐसे लगाया है कि बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके नोट डाउन.
Now, beta, see the next question, number 5. A rhombus-shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of field, how much area of grass field will each cow be getting? This is a rhombus. ठीक है बेटा, ये रोम्बस है. ईच साइड इज 30 मीटर. वी नो ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड द लॉन्गर डायगोनल, दिस इज द लॉन्गर डायगोनल, दिस इज 48 मीटर. दिस फुल एरिया, फुल एरिया ए बी सी डी, ये सारा एरिया कितनी काउज ग्रेस करती हैं? ये सारा फील्ड और फुल फील्ड इज ग्रेस्ड बाय 18 काउज. We have to find how much area will one cow get to graze. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस पूरा rhombus का area निकालेंगे. ठीक है, अब rhombus का area निकालने के लिए हमारे पास क्या formulas होते हैं? Half into diagonal one into diagonal two. Yes, लेकिन हमें diagonal one पता, diagonal two नहीं पता. और एक formula होता है base into height. Again, base पता है, height नहीं पता. ठीक है, so what we have to do, we have to find this area of this triangle, then area of this triangle. Aur ye dekho, 30 30 48, ek triangle ki side 30 30 48, aur idhar bhi 30 30 48. So we will find here the area of one triangle, to dusre ka same hoga, then we will add it, we will get the area of the rhombus. Fir rhombus ka area aa jayega, that will be the area grazed by 18 cows. We will divide full area by 18, then we will get the area grazed by one cow. ठीक है, so let's start. Write down. For area triangle ABC, A is equal to 30 meter. इसके आगे लिखो, here A, B, C are the sides of the triangle. S is 60 108 by 254 meter. Now area of triangle ABC square root of s, s minus a, fifty four minus thirty, fifty four minus forty eight. It will be 54 into 24 into 24 into 6. ठीक है, अब ये देखो 24 इज इन क्या है, सीधा उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, उसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है. 24 बाहर, क्या बचा, 54 into 6. 54 क्या होता है, 6 9 54. 6 3 into 3 into 6. ऑरली अपने माइंड में करना है, 6 9 54, 9 क्या होता है 3 into 3, चाहे अकेला 9 लिखो, फिर बाद में उसका 3 बाहर निकाल लो, एंड मल्टीप्लाई बाय 6, तो आया एरिया आएगा 24 into 6 into 3, 24 into 18. Four thirty-two meter square is the area of triangle ABC. ये portion rub करने लगी हूँ बेटा. Area of triangle ABC
is equal to area of triangle ADC. ठीक है, therefore area of rhombus ABCD is double 2 into chai plus कर दो चाहे double कर दो, ये आएगा 4 6 8 64 मीटर स्क्वायर. Then area grazed by 18 cows is 864 meter square. Of course, ठीक है, total field कितने cows graze करती है 18. So area grazed by one cow, each cow लिखा है ना कि each cow, one cow को कितना area मिलेगा 864 by 18 48 meters square. 48 meters square is the area grazed by one cow. Done. Any doubt? हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें. Anyone who is still noting it? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each measuring 20, 50, 50. How much cloth of each color is required for the umbrella? Now, what is the question? Let's read it again. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. देखो फिगर गिवन है आपको, इस तरह से वन ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल, ठीक है, थर्ड, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20, 50 and 50. ये 20, ये 20, मान लो ये 50, ठीक है? How much cloth of each color is required for the umbrella? Each color, अब देखो, सिर्फ color different है, but जो ट्राइंगल है उसकी डायमेंशन सेम है, ठीक है. सो व्हाट इज द साइज ऑफ द ट्राइंगल? ए 20, बी 20 एंड सी 50. बाय यूजिंग दीज थ्री साइड्स यू विल फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस ऑफ दैट अम्ब्रेला, ठीक है ना. ये इन तीन साइड्स को यूज करके हमारे पास क्या आएगा? एक ट्राइंगल का एरिया हमने बताना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच कलर? ईच कलर मतलब मान लो ये
शेडेड है ये, अनशेडेड है या रेड है या ब्लू है कुछ भी, तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ईच कलर इज, हर एक कलर के कितने ट्राइंगल हैं? पांच, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ईच कलर इज 5 इनटू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच यू विल फाइंड। बात समझ में आ गई? पांच शेडेड है आपके पास, पांच अनशेडेड है, आपने एक शेडेड का एरिया निकाल लिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ वन कलर। जो दूसरा कलर है जैसे अनशेडेड, उसकी भी डायमेंशन वही है, डायमेंशन कोई अलग नहीं थी, तो उसका भी पांच का एरिया क्या होगा? वही सेम जो दूसरे पांच वाले शेडेड वाले का एरिया। सो सिंपली यू विल फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल एंड यू विल राइट एरिया ऑफ ईच कलर इज 5 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यू विल फाइंड। ठीक है, सो यू विल डू दिस योरसेल्फ। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 6? पूछ लो। इट इज वेरी इजी, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फार्मूला से। हाँ जी अपरन बोलो। मैम ये एक बार फिर बताना, हमने मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना है? एक अम्ब्रेला है, उसमें मैंने ये शेडेड है, मतलब पूरे अम्ब्रेले में से पांच ट्राइंगल शेडेड है और पांच शेडेड नहीं है, इनको जोड़ा, जैसे ट्राइंगल काटे, एक शेडेड वाला, एक अनशेडेड वाला, फिर एक शेडेड वाला लिया, एक अनशेडेड, ऐसे गोल अम्ब्रेला। ठीक है, एक ट्राइंगलर पीस का एरिया गिवन है, साइड गिवन है 20 20। क्वेश्चन है कि बताओ कि जो ईच कलर मतलब पांच ट्राइंगल इस कलर के हैं, पांच ट्राइंगल इस कलर के हैं, हर एक कलर का कितना एरिया है उस अम्ब्रेला में, कितना क्लॉथ यूज होगा? तो हम क्या करेंगे, हमने एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया निकाल लिया, ठीक है, 20 20 50 साइड लेकर, तो उस एरिया निकल गया एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस। देन वी विल राइट एरिया ऑफ ईच कलर इज, अब मान लो ये रेड कलर है, रेड कलर के कितने ट्राइंगल है? पांच। ये मान लो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के कितने ट्राइंगल है? पांच। तो एरिया ऑफ ईच कलर विल बी व्हाट? 5 मल्टीप्लाई बाय द एरिया विच यू हैव फाउंड। ट्राइंगुलर के जो साइज है व्हाइट में भी और रेड में भी सेम, तो हर एक रेड का, रेड कलर के कितने ट्राइंगल है और पांच ट्राइंगल है, तो उनका एरिया कितना होगा? 5 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। इसी तरह से अदर कलर, उसका एरिया कितना होगा? 5 इंटू द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, उसको फिर उसको 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हाँ जी अपरन क्लियर है? वेरी वेरी इजी, अदरवाइज आई वुड हैव डन दिस। एज यू नो आई ऑलमोस्ट टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास बेटा, बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, तो फिर बार बार हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे आगे पहले चैप्टर भी पढ़े हैं, तो बार बार क्या जरूरत है कि चीज करने की, दैट यू कैन प्रैक्टिस एट लोकल लेवल। ठीक है, आगे देखिए। अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used? कहते एक काइट है, is in the shape of a square. पहले तो आपके पास क्या है? यहाँ square. This is what, this is a square, this is not a rhombus. Rhombus कह लो, rhombus में और square की properties different होती है, ठीक है? Rhombus में भी चारों sides equal, square में भी चारों sides equal.
बट स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है, स्क्वायर रोम्बस में ईच एंगल 90 ही होता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, बट एनीवे ठीक है। तो इन्होंने फिगर इस तरह से बनाई है, हम जब स्क्वायर ऐसे बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा रोटेट कर दें तो ऐसे भी तो दिख सकता है ना। तो देयर इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर, डायगनल पूरा 32 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये पूरा 32 है, प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है बेटे दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो लिख लो also diagonals are equal, equal भी होते हैं। तो अगर ये पूरा 32 है, ये 16, ये 16, and this is also 16 and this is also 16, and there is an isosceles triangle at the bottom whose base is 8 centimeter, और जो isosceles triangle की equal sides है वो कितनी है? 6 centimeter, ठीक है। अब बेटा समझ लो ये क्वेश्चन, कल करेंगे एज द टाइम इज आउट। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ दिस पार्ट, देन एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड देन एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन वी विल ऐड, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बेटा, राइट। फिगर बना लो आप, कल कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, राइट। ऑलराइट बेटा, सी यू टुमारो, टेक केयर।